students, how are you? Welcome to my YouTube channel Pankaj Physics Gulati. Students, nuclear physics के अंदर हमें बहुत बार ऐसे charged particles की जरूरत पड़ती है जिनकी kinetic energy बहुत ज़्यादा हो, जो fast moving हो, means charged particles accelerated हो. Charged particle कौन-कौन से हो सकते हैं? जैसे अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये सब चार्ज पार्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं. न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हमें हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करने के लिए, जो रिसर्च वर्क में बहुत ज़्यादा यूज होती है. और इन चार्ज पार्टिकल्स को हाई काइनेटिक एनर्जी पर एक्सेलरेट करने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, और उन डिवाइसेस को न्यूक्लियर फिजिक्स में कहा जाता है एक्सेलरेटर. उन्हीं में से एक एक्सेलरेटर है बीटाट्रॉन, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. स्टूडेंट, बीटाट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के काम आता है टू वेरी हाई काइनेटिक एनर्जीज. इससे पहले जो हमने पार्टिकल एक्सेलरेटर पढ़ा साइक्लोट्रॉन, उसमें ये लिमिटेशन थी कि वो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स जैसे ड्यूटेरियम है, अल्फा पार्टिकल्स हैं, उनको तो अच्छे से एक्सेलरेट कर रहा था, पर इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेलरेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो बहुत कम होता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स हाई वेलोसिटी पर एक्सेलरेट हो जाता है तो उसका मास जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो ये साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन थी, और उसी लिमिटेशन को दूर करता है आज का हमारा पार्टिकल एक्सेलरेटर जिसका नाम है बीटाट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन्स को 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की हाई काइनेटिक एनर्जी तक एक्सेलरेट कर सकता है. तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एम ऑफ बीटाट्रॉन. इज अ डिवाइस विच इज यूज टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स टू हाई एनर्जीज, क्योंकि जो हाई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को हाई काइनेटिक एनर्जी पर एक्सेलरेट कर रहा है इसलिए इसको नाम दिया गया है बीटाट्रॉन. एज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बीटा पार्टिकल्स, सो दिस डिवाइस इज कॉल्ड बीटाट्रॉन. इट कैन एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स अप टू 300 MeV. तो स्टूडेंट्स, ये था इसका एम. नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ बीटाट्रॉन. अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बीटाट्रॉन की. स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है तो सबसे सिंपलेस्ट प्रिंसिपल ये होता है कि उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास कर दो. जब चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास होता है तो वो एक्सेलरेट हो जाता है. इसी बीटाट्रॉन में भी ऐसा ही करेंगे हम. इसमें हम चार्ज पार्टिकल को एक कॉन्स्टेंट रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाएंगे. किसकी हेल्प से? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम उसको कॉन्स्टेंट रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाएंगे. नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे कॉन्स्टेंट रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट पर, तो उससे क्या होगा? ऑर्बिट का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. और स्टूडेंट्स, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग जब भी किसी भी सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आ जाती है. वही इंड्यूस ईएमएफ इलेक्ट्रॉन को हाई काइनेटिक एनर्जी पर एक्सेलरेट करेगी. बीटाट्रॉन में अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं. मीन जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे बीटाट्रॉन के अंदर वो नॉन यूनिफॉर्म होगा. वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बीटाट्रॉन के प्रिंसिपल और वर्किंग में हेल्प करता है. वो कैसे करता है? ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दो स्पेशल काम करता है बीटाट्रॉन के अंदर. पहला ही काम ये करता है कि अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को कॉन्स्टेंट रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में मेंटेन करके रखता है. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में से पास किया जाता है तो वो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करता है. ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में ही घुमाएगा, बट कॉन्स्टेंट रेडियस के ऑर्बिट में घुमाएगा. और साथ के साथ ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, जो उस इलेक्ट्रॉन को जो कि कॉन्स्टेंट रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसको हाई काइनेटिक एनर्जी तक एक्सेलरेट भी करेगा. स्टूडेंट्स, आपको एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है. अगर आपको बीटाट्रॉन को
अच्छे से वर्क करवाना है तो एक मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है। उस मैथमेटिकल कंडीशन को बोला जाता है बीटाट्रॉन कंडीशन। तो आपको जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बीटाट्रॉन का, तो आपको प्रिंसिपल लिखने के साथ साथ आपको बीटाट्रॉन की मैथमेटिकल कंडीशन भी ड्राइव करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं बीटाट्रॉन कंडीशन की, वो मैथमेटिकल कंडीशन जो सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है अगर बीटाट्रॉन को प्रॉपरली वर्क करना है। तो फ्रेंड्स, यहां आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जिसकी है कांस्टेंट रेडियस आर। इस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को हमने रखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब इस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट के अंदर वो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा और वो रिवॉल्व होना शुरू हो जाएगा इस कांस्टेंट ऑर्बिट के रेडियस में, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिंग है और अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आपको याद होगी फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कितनी होती है। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होता है डी फाई अपॉन डी टी। फाई यहाँ पर है मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इस ऑर्बिट को क्रॉस करेंगी वो चेंज होती रहेंगी, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और इस ऑर्बिट में इंड्यूस होगी ईएमएफ। अब हम बात करते हैं, इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर वन। अब हम बात करते हैं वर्क डन की जो इलेक्ट्रॉन पर होगा एक रिवोल्यूशन में। हम जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू ईएमएफ। चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर ई, हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ले रहे हैं E, और EMF induce हुई है d phi upon dt। तो ये आ गई equation number 2। Students, second equation आ चुकी है W is equal to E into d phi by dt। अब हम work done निकालेंगे। work done की basic definition जो होती है वो होती है force into displacement। force है हमारे पास F और displacement एक revolution में electron कितनी cover करेगा वो होगी circumference of orbit के बराबर, जिसकी value होती है 2 pi r। तो वर्क डन की वैल्यू आ गई फोर्स इंटू टू पाई आर। तो ये वर्क डन की वैल्यू आई EMF की टर्म्स में, ये वर्क डन की वैल्यू आई उसके डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। तो हम इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करेंगे। इस दोनों इक्वेशंस की 2 और 3 की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड को इक्वल रख देंगे और यहां से वैल्यू निकाल लेंगे एफ की, जो कि आ जाएगी e into d phi by dt, ये 2 pi r upon में चला जाएगा। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। जो हमारी फोर्थ इक्वेशन आई थी फोर्स की वैल्यू ईएमएफ के टर्म्स में, उसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दिया था, उसे हमने अलग से लिख लिया क्योंकि आगे यूज होगी ये। अब हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया वो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में घुमा रहा है। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना है तो आपको एक स्पेशल फोर्स की जरूरत पड़ती है और इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, और उसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बाय आर। ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, ये स्टूडेंट प्रोवाइड करेगा जो हमने अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। मींस जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिसकी वैल्यू होती है बी क्यू वी। यहाँ पर क्यू कितना लेना आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है ई। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल क्यू को वी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाते हैं तो उसके ऊपर जो मैक्सिमम फोर्स लगती है वो होती है बी क्यू वी। तो वो जो फोर्स होगी बी क्यू वी वो सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होगी। तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स होती है एम वी स्क्वायर बाय आर, और मैग्नेटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पर लगेगी वो होगी बी क्यू वी। यहां पर क्यू की जगह ई लेना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। वी से वी कैंसिल हो जाएगा, आर को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज देना है और एम वी की वैल्यू आ जाएगी बी ई आर। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं लिनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो लिनियर मोमेंटम पी इक्वल टू एम इंटू वी, ये भी एम इंटू वी है, ये भी एम इंटू वी है। तो फिफ्थ और सिक्स इक्वेशन को हम कंपेयर करके पी की वैल्यू निकाल सकते हैं बी की टर्म्स में। फिफ्थ और सिक्स इक्वेशन की एक साइड सेम है, बाकी दोनों साइड को सेम रख देंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी बी ई आर। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स, सेवंथ इक्वेशन हमारे पास आ चुकी थी पी इज इक्वल टू बी ई आर। अब स्टूडेंट्स, आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद होगा, वो क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। जो फोर्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो इक्वल टू होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। अब हम P की जो वैल्यू आई है बी ई आर, उसकी वैल्यू हम एट्थ इक्वेशन में डाल देंगे P की जगह। यहाँ पर P की जगह हम वैल्यू डालेंगे, मीन्स यूज करेंगे हम इक्वेशन 7 को इन इक्वेशन 8। तो F इज इक्वल टू डी बाई डी टी, पी की जगह हम डाल रहे हैं बी ई आर। तो बी ई आर पुट कर दिया, E इज कॉन्स्टेंट जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, R जो है वो है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो कि फिक्स है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे।
तो हमारे पास बचेगा db अपॉन dt, तो इस f की वैल्यू आ गई हमारे पास er into db by dt। जी है हमारी इक्वेशन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स नाइन्थ इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, f is equal to er db upon dt, ये हमारी इक्वेशन नंबर 9। एक हमारी फोर्थ इक्वेशन भी आई थी जिसमें हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी e upon 2 pi r d phi by dt। तो दो फोर्स की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, एक फोर्थ इक्वेशन में आई थी, एक नाइन्थ इक्वेशन में आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को फोर्थ और नाइन्थ इक्वेशन को कंपेयर करना है। फोर्थ और नाइन्थ इक्वेशन की ये साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, तो हम राइट हैंड साइड को इक्वल रख देंगे। फोर्थ इक्वेशन की राइट हैंड साइड है ई अपॉन टू पाई आर डी फाई बाई डी टी, और नाइन्थ इक्वेशन की राइट हैंड साइड है ई आर डी बी बाई डी टी। ई से ई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आर को हम उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर आर स्क्वायर डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू आ गया 2 पाई आर स्क्वायर डी बाई डी टी। अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, उसके बाद डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो फाई आ जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वैसे रहेगा, डी बाई डी टी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बी रह जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जो बीटा ट्रॉन कंडीशन निकल के आई है वो है फाई इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू बी। इस कंडीशन को स्टूडेंट बोला जाता है बीटा ट्रॉन कंडीशन, तो आपको एग्जाम में ये भी ड्राइव करके आनी है बीटा ट्रॉन कंडीशन। तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ बीटा ट्रॉन। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ बीटा ट्रॉन की और देखेंगे कि इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट बीटा ट्रॉन को दिखने में ऐसा होता है, ये आपको जो सर्कल की शेप का जो एक चैम्बर दिखाई दे रहा है इसको प्रोनाउंस किया जाता है डोनट शेप्ड चैम्बर। स्टूडेंट जो स्मॉल बीटा ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर ये डोनट शेप चैम्बर को हम ग्लास का बनाते हैं, और जो बड़े बड़े बीटा ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर ये डोनट शेप चैम्बर बनाया जाता है सिरामिक्स का। किसी भी एक्सेलरेटर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आयन सोर्स। आयन सोर्स किसी भी एक्सेलरेटर में एक खास मकसद के लिए लगाया जाता है। आयन सोर्स का काम होता है उन आयन बीम्स को प्रोड्यूस करना जिनको हमने एक्सेलरेट करना है, क्योंकि बीटा ट्रॉन का काम ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को हाई एनर्जी पर एक्सेलरेट करता है, तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा ऐसा आयन सोर्स जो हमें दे सके फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। तो यहाँ पर वो काम करेगा इंजेक्टर यूनिट, ये है इंजेक्टर यूनिट जिसका काम है इलेक्ट्रॉन बीम को बीटा ट्रॉन के अंदर डोनट शेप चैम्बर के अंदर एंटर करवाना। उसके बाद क्या होगा, इंजेक्टर यूनिट में हमारा सबसे मेन कंपोनेंट होता है टंगस्टन का फिलामेंट जिसको हमने कोट किया होता है बेरियम ऑक्साइड से। टंगस्टन को बेरियम ऑक्साइड से कोट करने का एक खास मकसद है, बेरियम ऑक्साइड टंगस्टन फिलामेंट का वर्क फंक्शन कम कर देता है। वर्क फंक्शन कम करने से क्या होगा, जैसे ही हम टंगस्टन फिलामेंट को हीट करते हैं वो थर्मोआयनिक प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करते हैं जो इस डेफिनेट शेप चैम्बर के अंदर एंटर करती है। स्टूडेंट्स डेफिनेट शेप चैम्बर के अंदर हमें वैक्यूम मेंटेन करके रखना होता है, उसको वैक्यूम मेंटेन करने के लिए हमें लगाना पड़ता है वैक्यूम पंप, जो कि हमने इंजेक्टर यूनिट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में लगाना है। वैक्यूम पंप लगाने से ये होता है कि वैक्यूम मेंटेन करने से बीटा ट्रॉन जो है वो स्मूथ वर्क करता है, और इस पूरे के पूरे डेफिनेट शेप चैम्बर को, इस पूरे के पूरे सिस्टम को हमें रखना होता है दो पोल पीसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिज्म इफेक्ट शो करती है जब उसमें से करंट पास करवाया जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को हमने एसी सप्लाई से जोड़ा होता है। उस एसी को अल्टरनेटिंग करंट को कम ज़्यादा करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मैग्नेटिज्म कम ज़्यादा कर सकते हैं। मींस यहाँ पर जो बीटा ट्रॉन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो अल्टरनेटिंग होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बीटा ट्रॉन के अंदर दो काम करता है, एक काम ये करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को कॉन्स्टेंट रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाता है, और दूसरा काम ये करता है कि अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस बीटा ट्रॉन के अंदर इस डेफिनेट शेप चैम्बर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ भी प्रोड्यूस करता है, वो इंड्यूस ईएमएफ ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करती है। और साथ के साथ इसके कंस्ट्रक्शन में आपको एक टारगेट भी बनाना पड़ेगा, वो टारगेट जहां पर इलेक्ट्रॉन बीम जब बहुत ज्यादा एनर्जी तक एक्सेलरेट हो जाएगी तब हमने उस इलेक्ट्रॉन बीम को टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करवाना है। जब हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम को टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं तो आपको एक्स रेज मिलती हैं, गामा रेज मिलती हैं, जो फर्दर रिसर्च वर्क में यूज होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ बीटा ट्रॉन, अब बारी है डिस्कस करने की वर्किंग ऑफ बीटा ट्रॉन। चलिए स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं वर्किंग ऑफ बीटा ट्रॉन। बीटा ट्रॉन जब वर्क करना शुरू करेगा हमने करंट की सप्लाई ऑन कर देनी है, करंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू होगा।
तो ये है वेरिएशन करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ। तो ये है एक पूरी वेव करंट की और यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड की, और ये है टाइम, कंप्लीट टाइम। ये पूरी वेव है जो एक टाइम ले रही है, टाइम पीरियड है इसका टी, ये है हाफ टाइम पीरियड टी बाय टू, ये है टी बाय फोर। स्टूडेंट्स, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जीरो से बढ़ना शुरू होगा, ऊपर मैक्सिमम वैल्यू तक जाना शुरू होगा, तभी आपने क्या करना है, बीटा ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम इंजेक्ट कर देनी है इंजेक्टर यूनिट से। बीटा ट्रॉन को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू होगा फ्रॉम जीरो वैल्यू, वैसे ही इंजेक्टर यूनिट बीटा ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम इंजेक्ट कर देगी। जब तक ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस ऑर्बिट के अंदर, ये डॉटेड लाइन में स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है कॉन्स्टेंट रेडियस का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन ने रिवॉल्व करना है। जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, वो टाइम लेगा जीरो से लेकर टी बाय फोर, ये है जीरो, ये है टी बाय फोर। जीरो से लेकर टी बाय फोर टाइम पीरियड के दौरान जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो से मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, और उसी टाइम पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कई हजार रिवोल्यूशन कम्प्लीट कर चुका होगा, और कई हजार रिवोल्यूशन कंप्लीट करने का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो चुका होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है इस डेफिनेट शेप चैम्बर के अंदर, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, और वो इंड्यूस ईएमएफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करेगी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन जब रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा ऑर्बिट के अंदर, वो एक्सेलरेट होगा, दूसरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा वो और ज़्यादा एक्सेलरेट होगा। तो जीरो से लेकर टी बाय फोर टाइम तक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन कंप्लीट कर चुके होंगे, मीन बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर चुके होंगे। अब स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है आपने, जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू हुआ था तब आपने इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट करने हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पर, तभी इलेक्ट्रॉन्स बीम को जो एक्सेलरेट हो चुकी है, कई हजार रिवोल्यूशन कंप्लीट कर चुकी है इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर जो कि कॉन्स्टेंट रेडियस का है, वैसे ही आपको इलेक्ट्रॉन बीम को, जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम है, उसको बाहर निकाल लेना ऑर्बिट से और टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करवा देना है। अगर आप इलेक्ट्रॉन बीम को इसके आगे भी, जब मैग्नेटिक फील्ड टी बाय फोर टाइम पीरियड के बाद मैक्सिमम टेन के होने पर डिक्रीज होना शुरू होगा, अगर आपने इलेक्ट्रॉन बीम को ऑर्बिट में से बाहर नहीं निकाला, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बीम का एक्सेलरेशन बंद हो जाएगा, और उल्टा वो डीएक्सेलरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि जब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हो जाए तब आपने इलेक्ट्रॉन बीम को इस ऑर्बिट में से बाहर निकालना है, वरना उनका डीएक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू होगा तब आपने इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करने हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू हो रहा है तब आपको इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना है, जब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन्स आपको कॉन्स्टेंट रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में से बाहर निकाल लेने और उनको टारगेट पर स्ट्राइक करवा देना है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पर आपको इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर लेने हैं कॉन्स्टेंट रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में से। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम इस ऑर्बिट में से बाहर निकलेगी, उसको टारगेट पर स्ट्राइक करवाना है, टारगेट पर स्ट्राइक करवा के डिफरेंट टारगेट लेके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की जो रेस है वो मिलेंगी। अगर आप हाई एटॉमिक नंबर का टारगेट लेते हो तो आपको एक्स रेज मिलेंगे, आपको लो एटॉमिक नंबर का टारगेट लेते हो तो आपको गामा रेज मिलेंगी। एक्स रेज यूज होती है एक्सरे थेरेपी में, गामा रेज यूज होती है बायोलॉजिकल और रिसर्च वर्क में। स्टूडेंट्स, ये था बीटा ट्रॉन। आपको पूरा क्वेश्चन आएगा 6 और 8 मार्क्स का, इसमें से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा कि बीटा ट्रॉन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या रोल प्ले करते हैं बीटा ट्रॉन के अंदर, ये आपको कंपलसरी क्वेश्चन में आ सकता है। तो आपने इसमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट में आपने ये लिखना है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्स्टेंट रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में मेंटेन करके रखता है, और नंबर 2 पॉइंट में आपने ये लिखना है कि ये इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करता है बीटा ट्रॉन के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने में हेल्प करती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।